भूमि अधिकार आंदोलन में शामिल सारे जन संगठन और उसके साथ ही कांग्रेस, सबको जिंदाबाद। आज अपने अपने गांव से, अपने खेड़े से, अपने पाड़े से दिल्ली तक आए हुए सारे भाइयों बहनों, हम अपनी बात लेके आए हैं। जो निर्णय दिल्ली में होता है उसका असर इस देश के छोटे छोटे गांव पर, कस्बों पर, खेड़ों पर, पाड़ों पर किस तरह से होता है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके जो निर्णय दिल्ली में लिए जाते हैं, उस सारी निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए, सरकार पर सवाल उठाने के लिए हम सब अपने अपने गांव से यहां तक आए हैं। अलग अलग सवाल लेकर हम हमेशा लड़ते ही हैं। आज हम सवाल लेके आए हैं बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन ये जिस तरह की परियोजना है उसका सारा गणित कृष्णा भाई ने अभी हमारे सामने रखा है। जमीन पे क्या हो रहा है उसकी बात मधु बहन, रायन भाऊ यहां रखेंगे, लेकिन आज देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पायाभूत सुविधा के नाम पर बहुत सारा पैसा लाया जा रहा है और ये पैसा आ रहा है देश विदेश से। हमारा पहला सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसकी नजर से देखें। हमारे गांव में बांध बना है, उसके लिए खेती तक पानी लाने के लिए कैनाल चाहिए। 30-35 साल हो गए हैं कैनाल नहीं बनते। हमारे खेड़े से अब मेन रोड तक जाने के लिए एक सड़क चाहिए, सड़क के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाना है, आंगनवाड़ी बनानी है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, सालों से मांगे हैं गांव के लोगों की, नहीं बन रहा, उसके लिए पैसा ही नहीं है। यह चित्र एक तरफ है और दूसरी तरफ एक्सप्रेस वे के लिए हजारों करोड़ रुपए उछाले जा रहे, बुलेट ट्रेन के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे और उसका बोझ आम जनता के सर पर होगा। यहां प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि ये ट्रेन और उसके लिए जो भी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा जापान सरकार ने हमको लगभग मुफ्त दिया है, लगभग मुफ्त। ये प्रधानमंत्री किसको मूर्ख बना रहे हैं? इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इस पैसे के पीछे क्या जाल है उसको ना समझे। ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जब पैसा आ रहा है तब पैसा डालने वाले बड़ी बड़ी मुनाफेखोर कंपनियां हैं, वो इसको जरूर देखती है कि इसमें इन डालने के लिए पहले ये सोचा जाए कि उससे आउट क्या निकलेगा, तो मुनाफा कितना निकलेगा उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आएगा। ये वास्तविकता है इस इन योजनाओं की। और इसीलिए हमारे कनाल के लिए पैसा नहीं आएगा, सड़क के लिए पैसा नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्रेस रोड के लिए पैसा आएगा और बुलेट ट्रेन के लिए आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा धंधा है दुनिया का। आज सबसे बड़ा धंधा ये जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे है और उसी के लिए पैसा लाया जा रहा है। उसके पीछे जो शर्तें रखी जा रही है वो क्या शर्तें हैं, कौन से करारनामे दो सरकारों के बीच में, जापान और भारत सरकार के बीच में हो रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ना संसद के सदस्यों को इसके बारे में कोई जानकारी है, आम जनता तो बहुत दूर है। हमने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पोषण, साफ पीने के लिए पानी, छोटी सड़कें, इन सब बुनियादी जरूरतों के लिए कितना पैसा बजट में डालना होगा इसका एक अध्ययन किया। और महाराष्ट्र के स्टेट बजट में हमने मांग की कि आम जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए आज जितना बजट है उस बजट में 26,000 करोड़ रुपया डालना होगा। जब यह मांग की, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनकी तो एकदम आंखें बड़ी हो गई और ये बात सुनने तक उन्होंने बिल्कुल उसको इनकार कर दिया कि इतना है ही नहीं पैसा सरकार के पास।
और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस अकेले एक्सप्रेसवे के लिए 42,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार कर रही है। तो जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए 26,000 करोड़ नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेसवे के लिए इतना पैसा डाला जाएगा। हमारा सवाल है सरकार से कि ये तेजी से आगे जाने वाली आपकी विकास की जो दौड़ है, जो आपके प्रगति के एक्सप्रेसवेज है, इस पे कौन चलेगा? हमको नहीं चाहिए इतनी तेजी और स्पीड सिर्फ गाड़ियां बढ़ाने के लिए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना है तो किसान का घर एक तरफ है कि जहां किसान ही करते हैं, वो खेत एक्सप्रेसवे की दूसरी ओर है। आने जाने के लिए उस किसान के लिए रास्ता नहीं है, उसको लंबे 4-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है अपने खेत में जाने के लिए। तो ये स्पीड किसान के लिए नहीं है, ये स्पीड और शीघ्र गति से पहुंचने की जरूरत सिर्फ पैसे वालों के लिए है, मोटर वालों के लिए है, बड़ी बड़ी कार वालों के लिए है। अरे आपको अगर विकास की तरफ इतनी जल्दी से भागना है तो देश क्या सिर्फ आपका बना है? क्या इस देश में किसान, खेत मजदूर, दलित, आदिवासी, मेहनत कश लोग, असंगठित मजदूर नहीं है? देश इनका नहीं है? अगर इस देश की बात हम उठाएंगे तो हम पर देशद्रोही करके हम में से आधे लोगों को अंदर डाल दिया जाता है। आज जो अर्बन नक्सल के नाम पे जिनको अंदर डाला गया है, उनमें से कई सारे साथी ऐसे बुनियादी सवाल लेके खड़े हैं, और ये सवाल वो उठाते हैं, इसीलिए उनको देशद्रोही कहा जाता है। तो हमें दिल्ली से ये कहना होगा कि गरीबों की बात उठाना, किसानों की बात उठाना, खेत मजदूर की बात उठाना, अगर ये देशद्रोह है तो हम ये करते रहेंगे और हर दिन करेंगे, क्योंकि आपका देश और हमारा देश इसमें अंतर है। मोदी साहब, आपका देश अंबानी, अदानी, जिंदल, मित्तल, हरिहरन अंडानी और टाटा बिरला का होगा, हमारा देश किसान, खेत मजदूर और आम जनता का है, और इसी जनता के दायरे से, उनके चश्मे से हम हर विकास को परखेंगे और कहेंगे कि यह विकास है या नहीं। और अगर आम जनता की नजर में यह विकास नहीं है तो हम ये कहने से नहीं कतराएंगे, हम ये कहने से नहीं डरेंगे कि यह विकास नहीं, यह विनाश की ओर जाने वाला रास्ता है। हमारा एक नजरिया यह है, और दूसरा नजरिया है जिसका बैकड्रॉप, जिसका पट है संविधान। संविधान जिस समता की, जिस न्याय की और जिस समाजवाद की बात करता है, अगर उसे सही मायने में, वास्तव में उतारने का कार्यक्रम ये नहीं बनता है तो बुलेट ट्रेन हो या एक्सप्रेसवे हो या एयरपोर्ट हो या कॉरिडोर हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो या नया नया जिन्होंने लाया है ईईजेड, ये ईईजेड हो, ये हमारे विकास का कार्यक्रम कतई नहीं बन सकता। हमारे विकास का कार्यक्रम होगा यहाँ की भूख को मिटाना, हमारे विकास का कार्यक्रम होगा यहाँ के डर को मिटाना, और हमारे विकास का कार्यक्रम होगा यहाँ जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को मिटाना। तो ये तीन, भय, भूख और भ्रम को मिटाना, ये देश के विकास का असली रास्ता होगा, और प्राथमिकता इसी के अनुसार होगी। भूख को मिटाना, इसको पहली प्राथमिकता देनी होगी, और इसीलिए जमीन का बंटवारे का कार्यक्रम हमको आगे ले जाना होगा। अगर जमीन लूटी जा रही है एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन के नाम पर तो उसका विरोध करना होगा, क्योंकि भूख मिटाना यह संविधान का उद्देश्य है, और उस संविधान ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चल के हम इस विकास को नापते रहेंगे। अन्यथा जो भी कदम सरकारें उठा रही है, और वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उसके ऊपर सवाल उठाना होगा। आज जो सत्ता में है उनकी तो सारी नीति ही गरीब विरोधी है। आते ही उन्होंने प्लानिंग कमीशन को निकाल दिया है और गरीबी निर्मूलन के पूरे मुद्दे को ही कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इधर वो सफाई का मिशन चला रहे, रोज जिनके पास मोबाइल है दिन भर में 3-4 मैसेजेस खुद मोदी जी के नाम पे आते हैं सफाई मिशन के। अरे आप इधर उधर भ्रम का कचरा जो फैला रहे हो, जातीयवाद का कचरा जो फैला रहे हो, धर्मांधता का जो कचरा फैला रहे हो, फेंक फेंक के वो कचरा कौन साफ करेगा? उस कचरे की सफाई करना ये बुनियादी संवैधानिक काम है, और उस काम में हम लगे हैं।
और उसी नजरिए से हम देखेंगे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और कौन सा नहीं है। और इस कसौटी पर बुलेट ट्रेन की परियोजना ये बिल्कुल खरी नहीं उतरती, और इसीलिए हम विरोध करेंगे। ये आर्थिक मुद्दे की ओर से नजरिए से भी देखें तो भी ये सही विकास का काम नहीं है, पर्यावरण के नजरिए से देखेंगे तो भी नहीं है, और निर्णय प्रक्रिया की नजरिए से देखेंगे तो भी बुलेट ट्रेन ये किसी भी नजरिए से विकास का काम और आम जनता के हित का काम नहीं है। और इसीलिए बुलेट ट्रेन का विरोध सिर्फ बुलेट ट्रेन का नहीं, ये सारी उससे लगी हुई जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उसमें औद्योगिक कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, ये सारे शामिल है, उन सबका विरोध हमें करना होगा। और रास्ते पर उतर कर सरकार के सामने ये सवाल बड़ी ताकत के साथ अपनी पूरी बुनियादी समझदारी के साथ उठाना होगा, और यही करने के लिए आज हम दिल्ली में आए हैं। लड़ाई चल रही है, चलेगी, थोड़ी जीत मिल गई है क्योंकि जापान सरकार की जायका है, पैसा देने से कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मना कर दिया है, ये जीत है किसानों की लड़ाई की, और इसी जीत को आगे लेकर हम बढ़े।